साइन है, किसकी है? माइनस की साइन, 3 माइनस एक कौन सा नंबर है? 2। तो नीचे आंसर क्या आएगा बच्चों? हम लोग प्लस वाले सब में क्या करते थे, यहाँ पे जितने नंबर हो उतने सर्कल ड्रॉ करते थे, और नीचे भी जितने नंबर हो उतने सर्कल ड्रॉ करते थे, और फिर दोनों सर्कल हम साथ में काउंट करके आंसर लिखते थे। लेकिन माइनस वाले सब में हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले जो नंबर दिया हो उतने सर्कल या कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे अलग अलग पिक्चर ड्रॉ करके आपको समझाने वाली हूँ। आज यहाँ पे 3 नंबर है, तो मैंने यहाँ पे कितने एप्पल ड्रॉ किए हैं बच्चों? 1, 2 और 3 एप्पल ड्रॉ किए हैं। उसमें से हमें माइनस कितने करने हैं? 2। यानी कि अगर आपके पास 3 एप्पल हो और 2 एप्पल आप किसी और को दे दो तो फिर आपके पास कितने एप्पल बचेंगे? देखो यहाँ पे माइनस 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 एप्पल को कट कर दे दूँ। 1 और 2, ये 2 एप्पल आपने किसी दूसरे को दे दिए, तो फिर आपके पास कितने एप्पल बचेंगे? कितने है देखो हम काउंट करते हैं, कितने बचे? ओनली 1। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे? 1। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे 5 नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 5 ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसमें से हमें यहाँ पे माइनस की साइन दी है, माइनस कितने करने हैं हमें? 3 माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पे 3 ट्रायंगल कट कर देते हैं। 1, 2, 3। तो फिर बाकी कितने बचते हैं? हम काउंट करते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2।
बच्चों आप सबके पास नंबर स्किल बुक तो है ही, तो आप सबको नंबर स्किल बुक में पेज नंबर 76 ओपन करना है। वहाँ पे हमें सबस्ट्रेट सम दिए हैं, तो हम वो सीखते हैं। हमने बोर्ड ऊपर अभी सीखा है, आज हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर है बच्चों? 3। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 बर्ड्स आर ऑन द ब्रांच, यानी कि यहाँ पे जो ये पेड़ की डाली है उसमें कितने बर्ड है? 1, 2 and 3 बर्ड्स है। फिर नीचे आपको क्या लिखा है? एक इसकी साइन है बच्चों, माइनस की साइन है। यहाँ पे लिखा है 2 बर्ड्स फ्लू अवे। देखो यहाँ पे जो टोटल कितने बर्ड थे बच्चों? 1, 2 और 3 बर्ड थे, लेकिन ये जो 2 बर्ड है वो स्काई में उड़ गए हैं। तो फिर और कितने बर्ड यहाँ पे बचे हैं? देखो कितने बचे हैं? 1। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है? 1 वन बर्ड इज लेफ्ट ऑन द ट्री, यानी कि देखो यहाँ पे जो ये 1, 2 और 3 बर्ड्स थे उसमें से कितने बर्ड्स उठ गए? 2। तो हम यहाँ पे कट कर देते 1 और 2, तो कितने बर्ड बचा बच्चों? 1। तो यहाँ पे आंसर में लिखा है 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 ग्रेप्स आर हैंगिंग ऑन ग्रेपविन, यहाँ पे जो ग्रेप्स है वो कितनी है बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5 बर्ड्स है, 5 ग्रेप्स है। फिर नीचे क्या लिखा है? माइनस 3 गैप्स आर फॉल डाउन, ये जो ग्रेप्स का जो झुमका है उसमें से 3 गैप्स है वो नीचे गिर गई है, यानी कि 1, 2 और 3 ग्रेप्स नीचे गिर गई है। तो कितने ग्रेप्स यहाँ पे बची है बच्चों? 1 और 2। तो देखो आपको यहाँ पे आंसर में कितने ग्रेप्स दिखाई गई है? 1 और 2। तो आंसर में क्या आया? 2 ग्रेप्स आर लेफ्ट ऑन द ग्रेपवाइन। तो 5 - 3 क्या आंसर आया बच्चों? 2। उसके बाद का एग्जांपल देखते हैं। 5 राम हैज़ 5 पेंसिल्स, बच्चों ये जो राम नाम का लड़का है उसके पास कितनी पेंसिल्स है? 5 पेंसिल्स है। फिर यहाँ पे क्या है? -4 ही गिवन 4 पेंसिल्स टू दिव्या, उसकी जो फ्रेंड है दिव्या उसको उसने 4 पेंसिल दे दी। तो फिर हमारे पास कितनी पेंसिल बचती है बच्चों? 5 - 4, तो कितना क्या आंसर आएगा बच्चों? 1। देखो 1 पेंसिल इज लेफ्ट विथ राम, राम के पास टोटल 5 पेंसिल थी उसमें से उसने 4 पेंसिल अपनी फ्रेंड दिव्या को दे दी, तो फिर राम के पास कितनी पेंसिल बचती है बच्चों? 1 पेंसिल। उसके बाद का पेज देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 नंबर, फिर यहाँ पे हमें कितने बर्ड्स ड्रॉ करके दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 बर्ड्स आर इन द पार्क, पार्क में 6 बर्ड्स है। -3, यहाँ पे आपको 3 बर्ड्स ड्रॉ करके दिए हैं। 3 बर्ड्स आर फ्लू अवे, ये टोटल 6 बर्ड्स है उसमें से कितने बर्ड्स उड़ जाते हैं बच्चों? 3। तो देखो 1, 2 और 3 बर्ड्स उड़ जाते हैं, तो बाद में कितने बर्ड्स बचेंगे? 1, 2 और 3 बर्ड्स पार्क में अभी भी है, तो आंसर में क्या आएगा? 3। 3 बर्ड्स आर लेफ्ट इन द पार्क। उसके बाद का एग्जांपल देखते हैं। 8, यहाँ पे हमें पेंसिल दी गई है। 8 पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स, बॉक्स में टोटल कितनी पेंसिल है बच्चों? 8 पेंसिल है। माइनस कितनी करनी है हमें? 4। 4 पेंसिल्स आर टेकन आउट, उसमें से हम 4 पेंसिल ले लें तो फिर बाद में कितनी पेंसिल बचेगी? देखो टोटल 8 पेंसिल है उसमें से हम 4 पेंसिल कट कर देते हैं। 1, 2, 3 and 4, तो कितनी पेंसिल अभी भी बचेगी बॉक्स में? 1, 2, 3 और 4 पेंसिल अभी भी बॉक्स में बचेगी, तो आंसर में मैंने क्या लिखा है? 4। आप सबको भी आंसर में 4 लिखना है। 4 पेंसिल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स, बॉक्स में अभी 4 पेंसिल है। उसके बाद देखते हैं 9, यहाँ पे 9 फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। 9 फ्लावर्स आर इन द वाज, बच्चों वाज में टोटल कितने फ्लावर्स है? 9 फ्लावर्स है, उसमें से माइनस हमें कितने करने हैं? 6। 6 फ्लावर्स आर टेकन आउट, जो फ्लावर वाज में 9 फ्लावर्स है उसमें से हम 6 फ्लावर बाहर निकाल लें, तो फिर फ्लावर वाज में कितने फ्लावर्स बचेंगे? तो हम कैसे करेंगे? ये जो 9 फ्लावर्स है उसमें से हम 6 फ्लावर बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कट की साइन लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4,
फाइव एंड सिक्स, ये सिक्स फ्लावर हमने फ्लावर वाज में से बाहर निकाल ली, तो फिर पीछे कितने फ्लावर बचेंगे फ्लावर वाज में? वन टू और थ्री, ये थ्री फ्लावर है वो अभी भी फ्लावर वाज में है। आंसर में क्या आएगा बच्चों? थ्री, थ्री फ्लावर्स आर लेफ्ट इन द वाज, वाज में अभी थ्री फ्लावर्स है क्योंकि सिक्स फ्लावर हमने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एट, यहाँ पे हमें एप्पल्स दिखाए गए हैं, एट एप्पल्स आर इन द बास्केट, बच्चों जो बास्केट है उसमें टोटल कितने एप्पल्स हैं? एट एप्पल्स हैं। माइनस थ्री, थ्री एप्पल्स आर टेकन आउट, यानी कि बास्केट में जो एट एप्पल है अगर उसमें से हम तीन एप्पल निकालें क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम तीन एप्पल निकाल लें तो बास्केट में कितने एप्पल बचेंगे? तो देखो यहाँ पे जो एट एप्पल्स है उसमें से हम थ्री एप्पल निकाल लेते हैं, यानी कि वन टू और थ्री, ये थ्री एप्पल हमने बाहर निकाल लिए, तो फिर और भी अभी बास्केट में कितने एप्पल बचेंगे? वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये फाइव एप्पल अभी भी बास्केट में होंगे, तो आंसर में क्या आएगा? फाइव, फाइव एप्पल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट, यानी कि बास्केट में एट एप्पल थे उसमें से हमने थ्री एप्पल निकाल लिए, तो फिर बास्केट में और कितने एप्पल बचेंगे बच्चों? फाइव एप्पल। तो बच्चों आज हमने बोर्ड पे भी सब्सट्रैक्ट सम सीखे और जो स्किल बुक है उसमें भी सब्सट्रैक्ट सम सीखे, तो आप सब कॉपी पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 पे ये जो सम दिए हैं वो आप सबको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्सट्रैक्ट सम सीखेंगे।